श्रीमती गीता शर्मा जी अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे मुद्दे पर उपस्थित हैं। जन जन की लोकप्रिय पार्षद हैं और इतनी लोकप्रिय पार्षद हैं, कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि मैं तो इनसे पूछता हूं कि मैडम ये 18-18 घंटे 20-20 घंटे आप काम कैसे करती हैं? रात को 12 बजे तक काम करती हैं और सुबह 4-5 बजे से पुनः प्रारंभ कर देती हैं। निश्चित रूप से इनमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और हमारी संस्था के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, और ना केवल हर्ष का विषय है बल्कि गर्व का विषय है कि आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य हमें मिला। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती पुष्पलता जी, श्रीमती सुनीता जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया आए, श्रीमती दीप्ति वाष्णेय जी से मेरा अनुरोध है कृपया शीघ्रता से आए, और आपका सम्मान प्रतीक चिन्ह के द्वारा, फूलों के द्वारा। और मैडम देखिए आपको तो बुके मिल गया, क्या बात, बुके के द्वारा। और देखिए महिलाएं, हमारे समाज की महिलाओं का हमारी महिला आदित्य प्रतिभावान महिला का सम्मान कर रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ताली की गड़गड़ाहट कम ना हो, पीछे तक से आवाज करूंगा कि जोरदार तालियों से। मैं श्रीमती गीता शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि क्योंकि समय का अभाव है, एक मिनट में अपना आशीर्वाद हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार करती हूँ, सभी कवियों को नमस्कार करती हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई नसीब सिंह जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं, उनको हमारे बाबू जी हैं नरेंद्र वार्ष्णेय जी, जिनकी वजह से ये पार्क आज आपके बीच में है, आपको समर्पित है। इसमें अभी जैसे नसीब भाई साहब ने कहा कि ये पार्क हमने अडॉप्ट कराया, इसमें देखिए अडॉप्ट कराया, लेकिन सबसे पहला कदम नसीब भाई साहब ने ही उठाया था कि ये पार्क डीडीए के पास से पहले इन्हें ज्यूरिडिक्शन में लाए ईडीएमसी की में, और जब ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित हुए उसके बाद ही हमें पावर मिली कि इस पार्क को हम किसी संस्था को दे पाए। तो सबसे पहले मैं भाई साहब का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद दूसरा धन्यवाद मेरा जाता है केशवानंद जी को, जो हमारे संरक्षक हैं, हमारे आदरणीय हैं, और उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है, कि जिन्होंने मुझसे कहा कि इस पार्क की अगर गति सुधारनी है तो सिर्फ और सिर्फ वार्ष्णेय समाज के हाथों में इसकी गति सुधर सकती है, क्योंकि वाकई इस पार्क की हालत जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे छुपी हुई नहीं है कि इसकी हालत बहुत बेकार पोजीशन में थी। हमारे बाबूजी नरेंद्र वार्ष्णेय जी ने बहुत मेहनत की है इस पार्क के लिए, गर्मियों में या पूरा पूरा दिन रुक कर उन्होंने इस पार्क की देखभाल के लिए जो अनसोशल जो एलिमेंट्स यहाँ रहते थे उन लोगों के लिए खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि कई बार इस तरह की गतिविधियां होती हैं कि उनके पास चाकू छुरी भी होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर रहकर और पूरा पूरा दिन यहाँ पे लगा के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बार बार पुलिस के पास हम भी गए, भाऊजी भी गए, तो बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। शरद भाई गए और बाकी हमारी पूरी टीम है, जो वैश्य वार्ष्णेय समाज की पूरी टीम है, जिनका योगदान इतना अधिक रहा है कि खुद ही हैरानी होती है कि इतने कम समय में इस पार्क में डेवलपमेंट वर्क हो पा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा इधर का गेट ये सब संस्थान ने अपने फंड से लगाए हैं, और जिस तरह से इस पार्क को अभी शरद भाई बता रहे 1.5 लाख रुपए में पूरी फेंसिंग कराई है, जिससे कि अनसोशल एक्टिविटीज यहाँ ना हो पाए, चाक चौबंद इस पार्क को करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि हमारे बाबूजी केशवानंद जी का ही आशीर्वाद है कि ये पार्क तो वैश्य वार्ष्णेय समाज को समर्पित हुआ ही है, जिसका नाम भी श्री अक्रूर जी के नाम पर उन्होंने श्री अक्रूर जी वाटिका नाम रखकर, और श्री वार्ष्णेय अक्रूर वाटिका के नाम से उन्होंने प्रस्ताव दिया है, और वो जल्दी ही कॉर्पोरेशन में नाम पास हो जाएगा और ये आपका नोटिफाइड नाम हो जाएगा इस पार्क का। इसी कड़ी में हमारे बाबूजी केशवानंद जी ने दो पार्क हमारी
बहुत ही सम्मानित एक हमारी श्री लक्ष्मण दास चैरिटेबल संस्था है, जिसके हमारे संरक्षक और जिसके हमारे प्रेसिडेंट साहब बलदेव गुप्ता जी भी यहाँ पर हैं। वो पार्क भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं और भाई साहब आप भी आ जाइए प्लीज। और इतने सामाजिक कार्य के लिए जिस तरह से हमारी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और जिस तरह से समाज के कार्य के लिए अपना कीमती वक्त और कीमती धन और साथ ही साथ योगदान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि समाज के काम के लिए जिस तरह से कदम आपने बढ़ाए हैं उससे ना सिर्फ कॉरपोरेशन की मदद हो पाई है बल्कि आसपास जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सहयोग हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ संस्थाएँ ही कर पाती हैं और संस्था व्यक्तियों से बनती है, एक एक व्यक्ति से पूरी संस्था बनती है, उसी से समाज बनता है। तो मैं आपके समाज को और पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जो आपने यहाँ आज बुलाकर ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया, इससे आईपी एक्सटेंशन में चार चांद लग गए हैं, तो मैं इसके लिए भी आप सबकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।